हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो लॉगरिथमिक इक्वेशन पे है, ठीक है ना। अभी इसने बहुत वेट करवा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। इसने क्या, मैंने वेट करवा दिया एक्चुअली में, है ना। तो ये पेंडिंग हो गया थोड़ा सा, अब स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट। अब इसमें हुआ क्या लॉगरिथमिक इक्वेशन में, कि आपको एक कंडीशन दी हुई होगी ऐसी कुछ, और एक्स की वैल्यू अननोन होगी, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। कुछ इक्वेशन होगी नॉर्मल, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, है ना, तो उस टाइप से ही, और रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, आप सॉल्व करते हो, वो वही तरीका है, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है। बस लॉगरिथमिक इक्वेशन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स या एन, एस एन लिख लो, एन लिख लो, एन ऐसा कुछ लिखा है, तो बताया था पहले कि नीचे का ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, नीचे का ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जो बी है, ये बी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपकी लॉगरिथमिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, है ना, और उसके सॉल्यूशन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सॉल्व करोगे एक्स की जो वैल्यू आएंगी उसको पुट करके देखना एक बार, और चेक करना क्या वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मना कर देना भैया कि ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाए। क्या भरोसा आपने निकाल लिए सॉल्यूशन और उसमें से एक आध सॉल्यूशन ऐसा हो जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, देखो इसको सॉल्व, ये बहुत इजी है। देखो किस्मत कितनी अच्छी है कि तीनों का बेस सेम है, अभी तीनों का बेस सेम है तो उनको साइन के अकॉर्डिंग में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8 × x + 3, और ये नेगेटिव साइन है मतलब कि ये डिविजन में चला जाएगा, तो ये आ गया x-1, और ये क्या लिखा है बेस में 4, इक्वल टू में क्या लिखा है 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल है, ये 4 की पावर में क्या चला जाएगा 2, तो ये लॉग हट जाएगा, ये लॉग हटाने के लिए यही करते हैं अपन, ये 4 की पावर में 2 ले जाते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 8 × x + 3 / x-1 इक्वल टू 4 की पावर 2 यानी कि 16। अभी 8 से 2 टाइम्स किया तो ये कितना हो गया x+3 इक्वल टू 2x-2। अभी ये x घटा तो ये आया x, और 2 उधर गया तो ये आया 5, तो x कितना आ गया 5। अब ये 5 आप रख के देखो, इसमें 5 रख के देखो तो 5 × 3 = 8, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 5 यहाँ पे रखोगे तो 5 - 1 = 4, कोई दिक्कत नहीं है, तो x इक्वल टू 5 एक सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 2 लिखा है ना, मैं चाहता हूँ इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दूँ, तो इसी 2 के आगे क्या लिखा है 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये वाले 1 को, × 1 है ना, इस 1 को लिख सकता हूँ लॉग 4 बेस 4, क्या लिख सकता हूँ 4 बेस 4। 4 बेस 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में बेस 4 है, अब इधर बेस 3 लिख लूँ तो कबाड़ा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा मेरे को, है ना, तो इसलिए 4 बेस 4 लिया है मैंने, ताकि मेरी जो वो कंडीशन है बिल्कुल एक होमोजीनियस रहे, है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा लॉग बेस में 4, और 4 की पावर 2 कितना 16। अब बोथ साइड लॉग आप हटा सकते हो, क्योंकि लॉग के सिर्फ कुछ लिखा नहीं है, तो आप लॉग हटा सकते हो, लॉग हटाओगे वापस वही कंडीशन आ जाएगी 8 × x + 3 / x-1 इक्वल टू 16, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई जगह पे ये यूज में आएगा कि जैसे 2 लिखा है तो इसको मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 × log 4 base 4, बेस में इधर 3 होता तो 2 × log 3 base 3, इस तरीके से, ठीक है। चलो एक और करते हैं। हाँ देखो ये रहा एक और, है ना, इसमें क्या लिखा है सॉल्व लॉग माइनस एक्स इक्वल टू 2 log x + 1, ये माइनस एक्स लिखा है, ध्यान रखना ये क्या लिखा है माइनस एक्स, ठीक है। और आप सोचोगे कि अरे सर ये तो नेगेटिव नंबर है,
तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, अभी तो ये वेरिएबल है ना, अभी तो एक्स की वैल्यू पुट ही नहीं की, आपको कैसे पता कि ये माइनस एक्स मेरा हमेशा नेगेटिव ही होगा? भाई एक्स की ऐसी बहुत सी वैल्यू है जिसके लिए माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे को वो वैल्यूज लेना है, ठीक है? तो अगर मेरे को ये पता करना है तो मैं क्या एक सिंपल सी कंडीशन लगा दूं, ये वाली जो अपन ने ऊपर लिखी हुई थी, क्या बी ग्रेटर देन जीरो, भाई ये जो बी है ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, मतलब जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे एक चीज पता है कि माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस साइन चेंज एक्स लेस देन जीरो, ठीक है ना? रीजन बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जैसे थ्री ग्रेटर देन टू होता है, लेकिन मैं अगर इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस थ्री और माइनस टू। अभी बताओ माइनस थ्री क्या माइनस टू से बड़ा होता है क्या? नहीं, माइनस थ्री तो माइनस टू से छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि मैं नेगेटिव साइन का जब भी मल्टीप्लाई करता हूँ या नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन मेरे इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना? नेगेटिव में जाने के बाद अपनी कहानी उल्टी हो जाती है, अपन पीछे जा रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना? जो नंबर जितनी दूर होगा वो उतना छोटा होगा, पॉजिटिव में जो नंबर जितनी दूर होगा जीरो से वो उतना बड़ा होगा, ऐसा होता है, ठीक है? ये आ गई अपनी पहली कंडीशन। इसके बाद में सेकेंड, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स आपका माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। आप सोचो कि किन नंबरों की बात हो रही है, तो देखो मैं दो नंबर की बात कर रहा हूँ, जीरो और माइनस वन, ये है जीरो ये है माइनस वन। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि जीरो से छोटा होना चाहिए ऐसा कुछ, और अगली कंडीशन क्या बोल रही है कि माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे नंबर एक्स की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी, वो कौन से नंबर होगा, ये वाले कॉमन वाले, मतलब एक्स मेरा क्या होना चाहिए, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए और जीरो से छोटा होना चाहिए, है ना? एक्स क्या होगा, जीरो से छोटा और माइनस वन से बड़ा, या फिर बोलूँ माइनस वन और जीरो के बीच में, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये कितना हो गया, लॉग माइनस एक्स ये टू पावर में चला गया, तो ये कितना हो गया, लॉग एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब ये दोनों लॉग हटा सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों के लॉग के आगे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, चला ये बंद हो गया वापस, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद में इसको ओपन कर लूँ तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अभी इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद में आप श्रीधराचार्य यूज कर लो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है? तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी दो वैल्यू आएंगी, माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसके अंडर में आ रही है, ये नहीं आ रही, ये माइनस वन के पीछे चली जाएगी, है ना? सिंपल सा है, आपका रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.236, अभी नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि पता करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डिवीजन कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है इसकी, 5.00 दो दो के पेयर बनाते हो, याद होगा आपको, 8th क्लास में सॉल्व किया है अपन ने, है ना? वहां से निकालो, यही आएगा 2.236। अब यहाँ पे रखोगे 2.236, थ्री में से घटाओगे और वन टू से डिवाइड करोगे तो ये माइनस वन और जीरो के बीच में आ जाएगी, तो ये वाली आपकी सही है, ये वाली सही नहीं है, ठीक है? ये वाली वैल्यू आपकी सही है, ये वाली सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है? एक और देखते हैं, ये अपना अगला प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेस में वन बाय टू, यहाँ पे टू है, तो देखो किस्मत अभी भी अच्छी है आपकी कि टू है और ये वन बाय टू टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स,
और बेस में क्या, लॉग 1/2। ये 1/2 क्या हो जाएगा आपका, लॉग कितना, 2 की पावर -1, और माइनस साइन आ गया जाएगा, ये लिख दिया माइनस साइन, और ये लॉग में बेस में 2, ये 2 डिवाइड है या बेस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस साइन को भी आप इधर भेज दो पावर में, तो ये ऐसा आ जाएगा लॉग x की पावर -1 और बेस में कितना, 2। ठीक है, अब बेस और बेस सेम है तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लॉग बेस में 2 3x-2 और इक्वल टू में लॉग एक्स के बेस में 2 और पावर में -1। इसको सॉल्व कर लो, लॉग हटा सकते हो, आगे मल्टीपल में कुछ नहीं है, 3x-2 इक्वल टू 1/x, यहाँ से सॉल्व कर लो, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देख लेना मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है, 1x 1 आएगा और 1x आपका आएगा -1/3, एक्चुअल में क्वाड्रेटिक बनेगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो 3x²-2x-1 = 0 होगा, है ना, ऐसा कुछ, इसको सॉल्व करोगे तो ये, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वन को इस तरफ लाओगे तो ये दो वैल्यूज आएंगी, अभी 1 सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि 1 इसको पॉजिटिव बना रहा है, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, लेकिन -1/3 रखोगे ना तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और शायद ये भी नेगेटिव हो जाए, देख लो रख के देख लो, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ये -1 आ जाएगा, -1 और -2 -3 आ जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था आप लोग बोर हो रहे हो थोड़ा सा, तो सोचा थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देते हैं, अभी लॉग नहीं लिखा है, लॉग नहीं लिखा है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लेकिन आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था कि लॉगरिदम एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लिखने का एक तरीका है, तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन भी मेरे किससे, लॉगरिदम से हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, आप बोथ साइड लॉग ले लो, आपने जैसे ही लॉग लॉग लिया बोथ साइड तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 2 की पावर x+2 और मल्टीप्लीकेशन में 27x/(x-1) = ये कितना हो गया, log 9, है ना। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में मतलब सेपरेट हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, x+2 log 2 प्लस ये कितना, 3 की पावर 3 है, तो ये ऐसा हो जाएगा log 3 की पावर 3x/(x-1), तो ये 3x/(x-1) आ गया जाएगा, ये वाला, है ना, और इक्वल टू में क्या लिखा है, 2 log 3, ऐसा, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, अभी इसको क्या है, log 3 log 3 वाले एक साथ ले लो, है ना, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा, x+2 (log 2) और प्लस ये आ गया है मेरा कितना, यहाँ पे आ गया है 3x/(x-1) और माइनस में कितना, 2, और इन दोनों में से log 3 मैंने कॉमन ले लिया, = 0, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 3x-2x+2 और डिवाइड में x-1 log 3, है ना, ये वैसा का वैसा ही रहेगा यहाँ पे, है ना, = 0, 3x-x कितना, x, तो ये कितना आ गया, x+2/(x-1) = log 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो कुछ छूट गया है क्या, अभी तक तो सब सही चल रहा है, x+2 और log 2, और ये प्लस, इसमें से x+2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया है x+2 और यहाँ पे आ गया है log 2, और एक सेकेंड, हाँ सही चल रहा है, और प्लस 1/(x-1) = log 3, ठीक है, = 0, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये इतना टफ नहीं है, इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएंगे x = 1 आएगा -2 और 1 आएगा आपका log 2/3 base 2,
ये आपके दो आंसर आएंगे इसको सॉल्व करने का। कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स माइनस वन को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स के फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, ट्राई करना इसको, फिर नहीं बने तो आप पूछ लेना भले, ठीक है, पर ये आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। हाँ, तो ये एक और है अपना प्रॉब्लम। इसमें क्या, इसमें मैंने दोनों चीज़ें डाल दी, इसमें लॉगरिदम भी डाल दिया है और इसमें मैंने एक्सपोनेंशियल भी डाल दिया है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डालने से आप देखो बहुत कठिन काम नहीं है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो आपको करना क्या है, जो भी मेरे एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना अपन ने पॉलिनोमियल्स पे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, है ना, उसका भी चाहो तो मैं उसका भी लेक्चर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये जैसे 3 की पावर x लिखा हुआ है, इस 3 की पावर x को आप a पुट कर दो, है ना, तो ये जो 9 की पावर x है ये आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये समझ में आया, ए स्क्वायर कैसे आया, देखो ये ऐसा लिखा है 9x है, तो इसका सोचता हूँ 3 का स्क्वायर की पावर x या फिर 3 की पावर x का स्क्वायर, है ना, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x। तो आप ये ध्यान रखना, जहां भी 3 की पावर 2x दिख रहा है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 की पावर x की पावर 2, ऐसा x मल्टीप्लाई बाय 2, तो x मल्टीप्लाई बाय 2 कितना, 2x। तो अब ये 3 की पावर x ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए हो गया, अब ये लॉग है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग बेस में 2, बीच में नेगेटिव साइन है मतलब ये डिवीजन में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4a-6 और डिवाइड में आ जाएगा a²-6, a²-6 सही लिखा है ना। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, अभी कैसे सॉल्व करोगे, इक्वल टू में 1 लिखा है ना। अब देखो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 base 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 base 2। नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो ऐसा करना 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, ऐसा कर लेना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। अब ऐसा किया तो लॉग हट जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 2 के इक्वल आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है तो भी 2 की पावर 1 लोगे तो 2 ही आएगा, दोनों चीजें सेम ही है। तो कितना आ जाएगा, 4a-6 by a²-6 = 2। अब ये 2 कॉमन निकल के यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2a-3 और डिवाइड में कितना है, a²-6 = 1, है ना। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2a-3 = a²-6 या फिर a²-2a और -3 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो ना, है ना, अभी ये चीज आती हो आपको, भगवान से दुआ है मेरी। ठीक है, अभी यही नहीं आता हो तो फिर आप, मैं तो हाथ ही जोड़ लूंगा बेटा। ठीक है, बाबा रामदेव के पास जाओ, उसके पास जरूर कोई ना कोई इलाज होगा, वो तो भाई बहुत खतरनाक आदमी है, हर दवाई उसके पास। ठीक है, नहीं होगी तो बना देगा वो, ठीक है ना, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलूँगा भैया दीवार में सर मारो एक एक दो बार, थोड़ा दिमाग रिचार्ज होएगा और फिर वापस आओगे तो हो सकता है बन जाए। ठीक है ना, और फिर नहीं बने तो 10वीं के बाद होम साइंस ले लेना बेटा। ठीक है, हो सकता हो आपका जन्म स्वेटर बनाने के लिए हुआ हो या खाना बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं। ए कितना है, 3, और ए कितना है, -1। ठीक है, ए क्या था मेरा, ए था 3 की पावर x, 3 की पावर x = 3, 3 की पावर 1, x मेरा कितना आ गया, 1। यहाँ से सेम यहाँ से करोगे तो यहाँ से ये कितना, 3 की पावर x = -1, ये तो कभी हो ही नहीं सकता भैया। ये है 3 की पावर x पूर्ण धनात्मक राशि, पूर्ण धनात्मक राशि, पूर्ण धनात्मक धनात्मक MAK और राशि। अभी ये क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये भाई ये पॉजिटिव होता है, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो ये नेगेटिव तो नहीं होएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो
तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण धनात्मक राशि, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पूरी जो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होता ये तो, ऐसी कुछ किसी वैल्यू पे जीरो भी नहीं होता, ठीक है। इसका ग्राफ भी बता देता हूँ मैं, ग्राफ ऐसा कुछ बनता है इसका, ये ऐसा है। अरे यार ये आजकल क्या है, बंद होने लग गया है। ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस में ये होती है पॉजिटिव साइड और ये क्या होती है नेगेटिव साइड, अब दिख रहा है, हाँ। और इधर ये होता है आपका पॉजिटिव साइड और ये होता है नेगेटिव साइड, तो जो 3 की पावर x है उसका ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब x की वैल्यू में नेगेटिव रखूं चाहे पॉजिटिव रखूं, y ये हमेशा जो 3 की पावर x की पूरी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव साइड ही रहती है, नेगेटिव में कभी नहीं जाती, इधर कभी नहीं आती, ठीक है। ये उसका अभी ये ग्राफ कैसे आया ये सब बाद में बता दूंगा, ठीक है, अभी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एनीवे इतने ठीक है, सफिशिएंट है ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना सफिशिएंट है। इसके बाद आप ट्राई करोगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वो ही बनेंगे, ठीक है ना, कोशिश करना, डेफिनेटली बनेंगे आपसे, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम इसमें अगर लॉगरिदम का लेक्चर आया तो इसके भी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स अपन लेते हैं, ठीक है ना। इसमें एक दो टॉपिक और बचे हैं वो भी करेंगे और फिर इसमें टिपिकल प्रॉब्लम भी लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो तब तक के लिए जय हिंद।